नमस्कार। सर्वप्रथम मी अपने सगळ्यांचे आभार मानते कि आपण आज मला इथे बोलावलं आणि माझा सन्मान केला। मी भाषण असली तरी मला माईकवरती भाषण द्यायची अशी अजिबात सवय नाहीये। मी तुम्ही जसे बसले तशीच मी एक गृहिणी आहे, घर सांभाळते, मुलाबाळांना बघते, पण निवडणुका आल्या की मला पण बाहेर पडायला लागतं, तुम्हाला लोकांना भेटायला यायला लागतं, कारण राज साहेब प्रत्येक ठिकाणी पोहोचू शकत नाही। मैंने आज पहली बार इतनी रैली को मैं के सामने में बात कर रही हूँ और मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, हाजी भाई का स्पीच मैंने आज पहली बार सुना है और हाजी भाई आप इतना अच्छा बात करते हैं कि मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। और आपने मुझसे एक वादा किया है जो मैं अभी आपके सामने करती हूँ कि हाजी भाई ने बोला कि हमारा MP अगर यहाँ से जाएगा तो अपना पूरा कल्याण का कल्याण घुमरा करवा जो जो इधर आते हैं वो सब की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आपके हर एक काम का नारियल मैं इधर आके करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज 68 साल हुए हैं, हमको कोई भी किसी भी फील्ड में हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते, एडमिशन नहीं मिलती, बच्चे बड़े होते हैं उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, हमारे रास्ते अच्छे नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, अच्छी हवा नहीं है। तो इतने साल से ये हमारे ऊपर सत्ता कर रहे हैं। अभी हमको सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, हमारे में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। हम सब एक है और हमारे पार्टी का एजेंडा भी एक है। ना हम हिंदू है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चन। हर एक को ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल चाहिए, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हर एक को लगता है कि हमको अच्छी नौकरी चाहिए, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और हर एक को लगता है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे बच्चे के लिए अच्छा आंगन चाहिए खेलने के लिए। हम दोनों में सबको सेम चीज़ें चाहिए तो हम ये बंटवारा क्यों करते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हम सिर्फ इंसान हैं और इंसानियत को सोच के मतदान कीजिए। और आज तक आपको जो नहीं मिला है, जिस पर आपका हक है, वो मिलने के लिए आपको जो इधर है आमदार है खासदार है उनको एक सबक सिखाना है कि अभी आप हमको हमको अभी आप झूठ नहीं बोल सकते और आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। हम अभी सोच रहे हैं और हम सोच के मतदान करेंगे। जैसे हाजी भाई ने बोला, उनके सामने बहुत उनके पास बहुत पैसा है और हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता है जो आपके पास आएंगे और आपका हर एक काम होने की जिम्मेदारी लेंगे। जो मैं लेती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि हमारा खासदार आने के बाद मैं खुद आऊँगी, राज साहब खुद आएंगे, अभी भी रैली के लिए राज साहब आएंगे और आपका हर एक काम होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद शर्मिला वहिनी, आपण इथे आला आणि उपस्थित सर्व लोकांना मार्गदर्शन केलं आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवला, त्याच्याबद्दल आपण आम्ही शतशः आपले आभारी आहोत।